चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी बले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। हेलो, बाद में फोन करना, मेरी बीवी सो रही है। नहीं, हेलो जी, पापा जी, मैं आपसे यही कह रहा था कि बाद में फोन कीजिएगा, आपकी बेटी सो रही है। जी पापा जी, खैरियत तो है ना जी? हेलो जी, जी मैं बात कराता हूँ, होल्ड करें। खूबसूरत खूबसूरत, क्या है नबील? चलो पापा जी। क्या हुआ पापा जी को, बताओ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ यार, पापा जी की कॉल आई है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था नबील, हद करते हो, दो इधर फोन। हेलो जी पापा, खैरियत? क्या, व्हाट? नहीं नहीं जानू, पापा जी ने कलमा पढ़ लिया था ना। बकवास बंद करो नबील। जानू जानू बताओ क्या हुआ मेरे पापा जी को, बोलो बोलो जानू, बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ कौन से हॉस्पिटल में मेरे पापा जी? शान आप नबील, पापा जी को ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सो जाओ तुम। ओ अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं ये समझा था सुबह उठकर भागना पड़ेगा लाहौर। नहीं अम्मा जी, ये बिल है आपके लिए। लेकिन मैंने तो अभी कुछ खाया भी नहीं है, तो ये बिल कैसा है? ये बिजली का बिल है। ना कौन बिजली? लाइट अम्मा जी, इलेक्ट्रिसिटी। वशी, आपने पिछले महीने का बिल भी नहीं भरा था, इसलिए लगकर आ गया। हाय, कौन लगकर आ गया? पिछले महीने का बिल इस बिल के साथ लगकर आ गया। ना तो अब हम क्या करें पुत्र है? आप इसे भर दीजिए। और इसे इंग्लिश में भरना है या उर्दू में? ओ अम्मा जी, इस बिल के पैसे बैंक में जाकर भरने हैं। हाय, हमारे यहाँ बैंक वाले बिजली सप्लाई करते हैं। नहीं, KESC वाले। हाँ तो फिर मैं बैंक में क्यों बिल जमा कराऊं? अरे मत करवाइएगा यार, इस बिल को चूहों को खिला दीजिए। चुप्पे, चूहों को अगर बिल खिला दिया ना तो फिर वो रहेंगे किधर? बड़ी ओवर एक्टिंग करके निकला है तू, दफा हो। हाय, तू यहाँ क्यों टहल रही है शैला? अब क्या मैं टहल भी नहीं सकती माँ जी? नहीं नहीं टहल सकती है, ये ले बिल। टहलने का? नहीं नहीं बिजली का, और पिछले महीने का भी लग कर आ गया, पूरे 22,000 का है। क्या? हाँ। ये बिल आपने मुझे क्यों दिया? हाय, तुझे ना देती तो और किसको देती, और तेरे बाप ने तो भरना है। मेरे पापा कोई बिल विल नहीं भरेंगे माँ जी, और अब वो इस घर का खर्चा भी नहीं उठाएंगे। ओए कैसे नहीं उठाएगा है, इतना सारा पैसा अपनी कब्र में लेके जाएगा वो है। माँ जी चुप। क्या बात है मोमो, क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? मैं नहीं, वो चिल्ला रही थी। वो कौन? शाबानो। कौन शाबानो? लाइक की बीवी। अरे कौन लाइक? हाय मेरा पुत्र, और कौन? खूबसूरत। हाँ तो मेरा पुत्र है, खूबसूरत तो होगा। अरे तुम्हारे पुत्र का नाम नबील है, खूबसूरत तो उसकी बीवी का नाम है ना। किसकी बीवी का नाम? अरे नबील की। है? अरे यार छोड़ो ये सब, ये बताओ कि वो चिल्ला क्यों रही थी? मैंने उस बदतमीज को ना बिजली का बिल पकड़ाया था, कह रही थी मेरे पापा नहीं भरेंगे। क्या? हाँ, कह रही थी अब वो इस घर का खर्चा भी नहीं देंगे। क्या, खूबसूरत ने ये कहा? हाँ जी। मेरा ख्याल है मोमो, अब वक्त आ गया है कि हमें नबील से साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। हाँ तो पहले हम कौन सी मैली बातें कर रहे थे? ओ उठ गए नवाब साहब। अरे मुझे क्या पता नवाब साहब उठे हैं कि नहीं उठे यार। अरे मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। हाँ मैं तो उठ गया, बल्कि मैंने तो नाश्ता भी कर लिया। माँ जी आपको क्या हुआ है? तुम्हारी माँ तुमसे बहुत नाराज है नबील। है?
क्यों माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तूने अपनी बीवी को बड़ी वो दे रखी है खलील। वो क्या माँ जी? वो जो पतंग को देते हैं ना वो। दुर्गाई? और नहीं, वो जो उड़ती हुई पतंग को देते हैं। उड़ती हुई पतंग को क्या देते हैं? ढील। हाँ हाँ, तूने अपनी बीवी को ना बड़ी ढील दे रखी है। खूबसूरत ने कुछ कहा है क्या? और वो बेहया कह रही थी कि उसका बाप बिजली का बिल नहीं देगा और खर्चा भी नहीं देगा। क्या? ना तो इस दिन के लिए लाया था मीर बाप की लड़की को ब्याह के? बोल, जवाब दे। उसकी ये जुरत, बिल तो उसका बाप भी देगा। खूबसूरत, खूबसूरत। खूबसूरत, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने कहा कि तुम्हारे पापा बिजली का बिल नहीं भरेंगे? हाँ, कहा है। ना पापा बिजली का बिल देंगे और ना आप इस घर का खर्चा उठाएंगे। क्या? मैंने खूबसूरत तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी, तुम्हारे पापा की जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारे ससुराल का खर्चा उठाए। क्यों उठाए? क्यों भाई, जब वो उस घर का खर्चा उठा सकते हैं तो इस घर का क्यों नहीं? नबील, अब पापा ना ही इस घर का खर्चा उठा सकते हैं ना ही उस घर का। अरे ऐसा क्या हो गया है? पापा जी का सारा पैसा जुए में हार गए हैं? यही समझ लो। नबील, पापा का बिजनेस पार्टनर उनके साथ फ्रॉड करके कहीं गायब हो गया है। पापा का सारा पैसा डूब गया है। बिजनेस ठप हो गया। घर नीलाम हो रहा है। क्या? और तो और, बेताब भी पापा को छोड़ के कहीं चली गई है। पापा तो सड़क पर आ गए हैं यार, सड़क पर। अरे, अब मैं जैनम मार्केट जाके वहाँ से टी शर्ट कैसे लेके आया करूँगा, वहाँ तो बहुत ही रश होता है। आए, अब मेरे मोबाइल में बैलेंस कौन डलवाएगा? भाई, बाहर से खाना कैसे मंगवाएंगे? यार नबील, मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि क्या तुम्हारे ससुर का एक ही कारोबार था? अरे क्या सोचकर तुमने ऐसे गरीब आदमी की बेटी से शादी की थी? अरे उस आदमी को कम से कम अपना बैकअप तो बनाना चाहिए था ना। अरे अपना नहीं तो हमारा तो सोच लेता। अब क्या करेंगे नबील? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा महमूद साहब। पापा जी तो सड़क पे आ गए, इसका मतलब है हम भी बहुत जल्द सड़क पर आ जाएंगे। भाई मोमो, इन लोगों के पास तो अब कोई आसरा नहीं बचा है। आओ हम अंदर चल के ना डिस्कस करते हैं। अरे मेरी पेंशन से दो लोगों का गुजारा तो आसानी हो सकता है। शाबाश। आओ मोमो। चलो। माँ जी, मेरा क्या होगा? आए, बुरा वक्त अपना अपना। चलें जी। ओ माँ जी, ओ माँ जी, ओ माँ जी। ओ पापा जी, आपका सत्यानाश। अब क्या होगा? हमारी तो खैर है, लेकिन चांदी की स्कूल की फीस कहाँ से देंगे? मैंने सोच लिया खूबसूरत। क्या? सबसे पहले तो चांदी को स्कूल से उठाओ। What? हाँ, और उसे शहजाद रॉय के स्कूल भेजो, कुछ ना कुछ लेके आएगी। ये तो कैसी बातें कर रहे हो नबील? जानू, अब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि चांदी को इतने महंगे स्कूल पढ़ाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जानू पागल नहीं बनो, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, खर्चे कम करने का है। तुम लोगों को खर्चे कम करने पड़ेंगे। क्या? आज के बाद जानू तुम कोई शॉपिंग नहीं करोगी, और ये महंगे वाला फोन भी बेच दो। फोन क्यों बेचूं? अरे अब इस फोन का क्या काम रह गया? इससे कौन सा हमने तुम्हारे पापा को पैसों के लिए फोन करना है? नबील, उस गरीब आदमी के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। खूबसूरत, मेरी बात कान खोल के सुन लो। आज के बाद इस घर में सिर्फ एक वक्त का खाना पकेगा, और जिसको हम तीन लोग पेट भर के खाएंगे ताकि रात तक का गुजारा हो सके। और मैं क्या खाऊंगी? तुम डाइट पे जा सकती हो, तुम्हें बहुत शौक था डाइट पे जाने का। क्या? हाँ, मुझे तो कभी शौक नहीं था। यार भूख लगी हुई है। तो मैं क्या करूँ? हाँ, अरे तुमने खाना नहीं पकाया अभी तक। खाना कैसे बनाऊँ, घर में वो नहीं है मकबूल। तुमने मकबूल से खाना बनवाना था? नहीं। तो फिर? अरे आप समझ क्यों नहीं रहे, घर का सारा वो खत्म हो गया है। अरे वो क्या भाई? वही जिससे खाना बनता है, राशन। हाँ राशन, घर में राशन खत्म हो गया। क्या? हाँ। इसका मतलब है अब हम गरीब होने के साथ साथ फाके भी करेंगे। ये सब तुम्हारे बाप की वजह से हुआ है खूबसूरत।
देखो मेरी मासूम बीवी किस तरह बिलक बिलक कर रो रही है। मैं तो अपने पापा के सोच रही हूँ महमूद साहब, भूख की वजह से बेचारे 10 दफा बेहोश हो चुके होंगे। देख रहे ना तुम अपनी इस बीवी को, यहाँ भूख से मेरी जान निकल रही तो ये मनहूस अपने बाप को रो रही है। खूबसूरत तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अभी भी तुम उस खुदगर्ज इंसान के बारे में सोच रही हो। अभी तो ये सोचो कि खाना किधर से आएगा। मुझे क्या पता था नबील, अब तो कुछ बचा भी नहीं है जो बेच सके। ये कानों में जो कुंडे पहने और उंगलियों में जो लंगूठियां पहनी है, इसका तूने चार डालना है? नहीं माँ जी, ये तो मेरी शादी के तोहफे हैं। क्या हुआ, मैंने दिए थे ना? पापा ने दिए थे। अगर मैंने दिया होता तो कोई बात होती ना, अब तो कर सकते हैं, भेज सकते हैं इसको। नहीं नबील, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। ओए ना मुराद, देख क्या रहे तू? मैं नहीं, तू तुझे कह रही हूँ, उठ जा और उतार ले लंगूठियां और खींच ले इसके कानों के कुंडे। अंगूठी माँ जी? हाँ लपक ले लपक ले, आज तेरी मर्दानगी का शिशमय इम्तिहान है। नहीं नबील, नो नो, जानू जानू प्लीज दे दो, वरना माँ जी खींचा था नहीं करेगी तो अल्लाह के हास्ते दो। नॉट फेयर। क्या पिज्जा कैसा गरम गरम? वैसे माँ जी, आप लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तेरे अब्बे ने कौन सा हमारे साथ अच्छा किया है? मेरे पापा ने क्या ठेका ले रखा था आप लोगों का? बकवास बंद कर, गरीब आदमी की फकीर बच्ची, तूने जुबान खोली ना मेरे सामने, मैं तेरी जुबान काट के तो तुझे धक्के दे के इधर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? मामा क्या? कुछ नहीं, वो मैं पूछ रहा था कि नबील अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं आया? यार नबील, ये तुम क्या उठा लाए हो? मैं मुसावी, हम सबके लिए पिज्जा है। यार नबील, अगर खूबसूरत के कांटे और अंगूठी बेच के पैसे मिल ही गए थे तो कुछ पैसे आगे के लिए बचा के रख लेते। ओ यार दफा करे मामू साहब, जब तक हाथ में पैसे हैं तब तक याशी करते हैं क्यों माँ जी? मैं चीता रहा मेरा पुत्र, मेरा शेर बिल्कुल मेरी तरह है, कभी भी मेरे चीते ने ना पैसों की परवाह नहीं की। पैसे का क्या है, वो तो हाथ का वो होता है। वो क्या? वो जो आप है मैले। मैल। अच्छा वैसे आइए मामू साहब, मिलके खाना खाते हैं। मैं कहता हूँ पिज्जा खाते हैं। वो जो हम खाएंगे वो खाना होगा, पिज्जा होगा। आओ फिर। अरे नबील जल्दी करो ना यार, भूख लग रही है। ओ यार महमूद साहब सबर करे, सबर का फल मीठा होता है। हाय पुत्र, तू फल लिख रहा है इसमें? ओ नहीं माँ जी, ये मुहावरा है डब्बे में। ओ अच्छा, जल्दी करो ना यार। खबरदार क्या कर रही है? बैठ रही हूँ माँ जी। और तेरी औकात है हमारे साथ बैठ के रोटी खाने की? फकीर की औलाद, तो फिर मैं कहाँ बैठ के खाना खाऊं? जा जाके किचन में बैठ, अगर ये बच गया ना तो थोड़ा सा प्लेट में डाल के किचन में कोने में रख देना मेरे जमीन पे तेरे लिए। मजा आ गया भाई, बड़ा ही आला पिज्जा था वो लेकर। पुत्र मुझसे तो ज्यादा खाया ही नहीं गया टेंशन की वजह से। अम्मा जी खाना तो खा लिया, आप किस बात की टेंशन? अरे खुदा को मानो नबील, हम ये अंगूठी कांटे मांटे बेच के कब तक गुजारा करेंगे यार? 5-6 दिन खाना खा सकेंगे और बस। अरे किराया कहाँ से देंगे जवेद साहब को, उन्होंने हमें धक्के मार के घर से निकाल देना है। आप फिक्र मत करें महमूद साहब, इसकी नौबत नहीं आएगी। क्यों, तुम किराया दे दोगे? नहीं महमूद साहब, हम ये घर छोड़ देंगे। वश्य वश्य। अरे घर छोड़ के जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे महमूद साहब, और वैसे भी ये घर हमारे लिए बहुत बड़ा है यार। हैं? कुछ छोटा सा फ्लैट देख लेते हैं, अच्छा है, लोगों को जरा कुछ चेंज मिल जाएगा, लोकेशन भी बदल जाएगी, क्या ख्याल है आप लोगों का? अरे छोटे फ्लैट का भी तो किराया देना होगा ना नबील। ओ महमूद साहब बस कर दे यार, आपने अपनी पेंशन कब्र में लेके जानी है, छोटे फ्लैट का किराया नहीं दे सकते आप? दे देंगे पुत्र, तू फ्लैट का तो पता कर ना। हाँ भाई सर, यार सुन, हमें एक फ्लैट चाहिए यार। हाँ छोटा सा, अच्छा सा, बेहतरीन लोकेशन। हाँ
हाँ पापोश में देख ले। पापोश में? हाँ हाँ पापोश ठीक है, बेहतरीन है यार, वही भी करीब पड़ता है और जरा अच्छी पॉश जगह भी है। ठीक है कर ले डन कर। ओके लो जी माँ जी, अब तो किसी किसी टेंशन नहीं है ना। और अब ये खूबसूरत का क्या करना है? अब करना क्या है, खर्चा कम करो, भेजो उसके पियो के घर है, हम उसका खर्चा क्यों उठाएं। हाँ भाई। क्या हुआ नबील? खूबसूरत हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? अरे क्यों, इस घर का किराया तुम्हारे पापा देंगे। नबील प्लीज यार ऐसे तो ना बोलो। क्यों ना बोलूं? किया क्या है मेरे पापा ने? उसने हमें बेआसरा कर दिया है खूबसूरत। नबील लेकिन यहाँ से जाएंगे कहाँ? हम पापो शिफ्ट हो रहे हैं अली इमरान के साथ वाले घर में। क्या? हाँ एक कमरे के फ्लैट में जैसे वो रहता है। नबील मैं एक कमरे के फ्लैट में तुम्हारे घर वालों के साथ कैसे रहूंगी यार? इसीलिए मैं तुम्हें साथ लेके नहीं जा रहा जानू। क्या? हाँ मैं माँ जी और महमूद साहब यहाँ से जा रहे हैं। और मैं कहाँ जाऊंगी? तुम अपने उस मोटे गरीब सांड बाप के पास जाओगी। क्या? आई एम रियली सॉरी खूबसूरत, अब मैं तुम्हारा बोझ और नहीं उठा सकता। आई एम सॉरी। बस कर दे महमूद साहब यार, आराम से पिए यार चाय। खूबसूरत इधर आओ। कहाँ जा रही हूँ? अपने लिए नाश्ता बनाने जा रही थी। नाश्ता बाद में बनाना, चलो पहले सामान पैक करो और यहाँ से निकलो, जाओ अपने मोटे सांड फादर के पास, गरीब आदमी के पास। नबील इसका मतलब है कि तुम्हें सिर्फ मेरे पापा के पैसों से मकसद था? ये बात 250 एपिसोड के बाद तुम्हें समझ आई है बेवकूफ और गरीब लड़के? जब तक मेरे पापा तुम लोगों को पैसे भेज रहे थे ना तब तक तुम्हें मेरी कदर थी। तुम्हारी कदर नहीं थी, मेरी मजबूरी थी। कान खोल कर सुन लो नबील, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हम तुझे लेकर भी नहीं जा रहे समझी? माँ जी खबरदार, जो तूने अपनी मुफलस जबान से मेरा नाम लिया हो, तुझ जैसी कंगाल से ना मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। चल सामान बांध, शाबाश रवानगी डाल। नबील और लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे ना धिक्के दे के बाहर निकालना पड़ेगा। माँ जी, माँ जी क्या कर रही है? पापा ये तुम मेरी बेटी के साथ क्या सलूक कर रहे हो? बस कर दे, ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। नबील ओ हेलो, आवाज नीची कर, अब तेरे पास पैसा नहीं है जो मैं तेरे लिहाज करूं मोटे। क्या? हाँ मैं तुझसे ज्यादा अमीर हूँ इस वक्त, मेरी जेब में पूरे 500 रुपए हैं और तेरे पास क्या? तू तो खुद सड़क पे आ गया। मैं यही देखना चाहता था कि तुम लोग कितने लालची हो, इसलिए मैंने ये झूठी अफवाह फैलाई थी कि मैं कंगाल हो गया हूँ। क्या? अरे वो सब झूठ था, सिर्फ तुम लोगों को आसमाने के लिए। ओए बेशरम बेगैरत, अपने बाप जैसे इंसान से तूने इतनी बदतमीजी की है, पैजा पैरी माफिया मांग ले माफी। पापा जी इधर आ मेरी बच्ची रुकैया, क्या हालत बना ली है तूने अपनी। इधर आ, मैं ना अपने हाथों से नाश्ता बना के तेरा हाथ मुंह धुलाऊंगी तो तुझे इतने अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगी। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा।